हे गाइस, तो यार कैसे हो तुम सब लोग। तो यार आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि तुम लोग 10 दिन के अंदर गोल्ड लीग से कॉनकॉर लीग में कैसे जा सकते हो। जी हाँ गाइस, मैं तुम लोगों को आज यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी तो तुम लोगों को कुछ भी समझ में आएगा। ओके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो स्टार्टेड। तो यार गाइस, मैं तुम लोगों को तीन टिप्स देने वाला हूँ, तीन टिप्स, तो अच्छे से सुनना, तीन टिप्स। सो गाइस, मैं तुम लोगों को तीन टिप्स देने वाला हूँ, वो तीन टिप्स बहुत ही काम का है और बहुत ही ज़रूरी है। ऑब्वियस सी बात है यार, ज़रूरी नहीं होगा तो मैं तुम लोगों को क्यों बताऊँगा। ओके, तो यार वो तीन टिप्स ज़रूर सुनना, अच्छे से सुनना। तो चलो यार, मैं तुम लोगों को वो तीन टिप्स बताता हूँ। तो यार नंबर वन पे जो टिप्स है वो है गाइस किल्स। जी हाँ गाइस, बहुत सारे बंदे मेरे साथ, जो मेरे भाई लोग खेलते हैं, दोस्त लोग खेलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि किल्स इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, मतलब बचे रहो, लास्ट तक बचे रहो, बस हो जाएगा। तो किल्स इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। सो गाइस, मैं तुम लोगों को बता दूं, किल्स बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो जितना चाहो उतना किल्स लेने का कोशिश करो हमेशा। ओके, और गाइस किल्स तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं फर्स्ट नंबर टिप में कि किल्स लिया करो। ओके ओके, सो गाइस सेकंड नंबर टिप में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं, वो है गाइस सर्वाइव। जी हाँ गाइस, सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और गाइस अच्छे से जो मैं तुम लोगों को टिप दे रहा हूं ना, ये अच्छे से फॉलो करना, तो गारंटी से मैं बोल रहा हूं 10 दिन क्या 9 दिन या फिर 8 दिन के अंदर अंदर तुम लोग कॉनकॉर लीग में चले जाओगे। गाइस मैंने खुद किया हूं, गाइस मैंने खुद किया हूं, इसीलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि मैं कभी भी फेक वीडियोस अपलोड नहीं करता हूं, जो वर्किंग होता है, जो एकदम 100% वर्किंग होता है, वो मैं तुम लोगों को बताता हूं। ओके गाइस, तो गाइस जो सेकंड नंबर टिप है वो है गाइस सर्वाइव। सो गाइस सर्वाइव करना सीखो, लास्ट तक सर्वाइव करना सीखो। अगर लास्ट तक सर्वाइव करना नहीं हो रहा है तुमसे, अभी तुम नूब हो या फिर अभी तुम स्टार्टिंग किए हो, सो गाइस राउंड तो तुम लोगों को थर्ड या फिर फोर्थ जोन तक तो तुम लोगों को टिकना ही होगा। ओके गाइस, मैं तुम लोगों को बता दूं, थर्ड जोन तक टिक जाओ, गारंटी से तुम्हारा एक्सपी भी बढ़ेगा और तुम्हारा जो रैंक है वो भी डिक्रीज बोल रहा हूँ, इंक्रीज होगा। ओके गाइस, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सर्वाइव करना सीखो, सर्वाइव करो। ओके गाइस, ओके गाइस, थर्ड नंबर टिप में मैं जो तुम लोगों को बताने वाला हूँ वो गाइस थर्ड नंबर कोई टिप नहीं है, ये तुम लोगों को मैं एक सजेशन देने वाला हूँ कि कौन सा अच्छा है। ओके गाइस, सो गाइस बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि भाई मैं सोलो खेलूँ या फिर ड्यू खेलूँ या फिर स्क्वाड खेलूँ। ओके गाइस, तो मैं तुम लोगों को बता दूँ गाइस, अगर तुम एक प्रो प्लेयर हो, ओके गाइस एक प्रो प्लेयर हो, सो गाइस तुम लोग हमेशा ट्राई करना कि तुम लोग ड्यू खेलो। ओके, ड्यू मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ड्यू खेलो, क्योंकि अगर दो जन मिलके खेलोगे ना, अगर तुम लोग दो ही जन प्रो प्लेयर हो, तो तुम लोगों को एक्सपी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा तुम लोगों का। और अगर तुम लोग प्रो प्लेयर हो तो मेरे को बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग खुद ही प्रो प्लेयर हो। ओके गाइस, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ अभी गोल्ड लीग के बारे में, मतलब जो नूब्स प्लेयर हैं। ओके गाइस, तो उन लोगों को अभी तो स्क्वाड खेलना चाहिए गाइस, कभी भी सोलो मत करो, अकेला अभी मत खेलो, ट्राई करो कि तुम लोग स्क्वाड में खेलो, तुम लोग तुम्हारे जो दोस्त लोग हैं उनके साथ खेलो, क्योंकि गाइस अगर तुम लोग सोलो खेलो तो बार बार मर जाओगे, क्योंकि अकेला जाओगे रिवाइव करने में कोई भी नहीं है तुम्हारे पास। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि तुम लोग अभी स्क्वाड खेलो। ओके, जब तक तुम लोग अच्छे से प्रो प्लेयर नहीं बन जाते तब तक तुम लोग स्क्वाड खेलो। ओके गाइस, तो यही था यार तीन टिप्स मेरा, ये तीन टिप्स तुम लोग फॉलो करो, 10 दिन के अंदर अंदर तुम लोग कॉनकॉर लीग में चले जाओगे। ओके गाइस, तो यार आई होप गाइस तुम लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। एंड भाई, अगर तुम लोग मुझसे बात करना चाहते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर लेना चाहते हो, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर इंस्टाग्राम पे देता हूँ, वहाँ पर मुझे जाके DM करो कि भाई तेरा व्हाट्सअप नंबर दे, मैं तुम लोगों को व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा गाइस। ओके, और गाइस अगर न्यू आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस रोज लेकर आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। से जी भरता था तब शर्मा अंकल घर को आए, परसेंट कितने हैं पूछे, अपनी छोटी लुल्ली पकड़ के मैंने उनको दिखलाई।
ही कह बैठा।